नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अध्ययन सेतु एकेडमी में। दोस्तों, अभी रिसेंटली खेल मंत्रालय ने अनाउंस किया है कि जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं उनकी प्राइज मनी को बढ़ाया जाएगा, और ये अनाउंसमेंट किया गया है नेशनल स्पोर्ट डे सेरेमनी के दिन, जो कि वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था इस साल ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। और अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ही खेल पुरस्कारों को अनाउंस किया गया था, जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है इसी दिन के सेलिब्रेशन पे। तो डिटेल में जानेंगे खेल पुरस्कारों के बारे में, कितने कितने कैटेगरी में दिए जाते हैं और पहले कितना अमाउंट मिलता था एज ए प्राइज मनी, अब अमाउंट बढ़ने के बाद कितना अमाउंट मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अभी 29 अगस्त सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्पोर्ट डे के तौर पे। ये सेलिब्रेट किया जाता है हमारे हॉकी के जो प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी, उनके जन्मदिन पे 29th को उनका जन्मदिन होता है, 29 अगस्त को। तो इसी दिन जो और इसी दिन एवरी ईयर एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाती है राष्ट्रपति भवन में, जो कि इस साल वर्चुअली ऑर्गेनाइज की गई है। जैसा कि हमें पता है अभी कोविड कोरोना पैंडेमिक फैला हुआ है, और इसी सेरेमनी में ये पुरस्कार जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो इस साल के पुरस्कार भी इसी सेरेमनी में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो इसी सेरेमनी इस प्रोग्राम में ही हमारे जो खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, इन्होंने अनाउंस किया है कि इन पुरस्कारों का जो प्राइज मनी है उनको अब बढ़ाया जाएगा। अनाउंस किया है कि अब मासिव हाइक इन द प्राइज मनी ऑफ 4 of 7 कैटेगरीज ऑफ द नेशनल स्पोर्ट एंड एडवेंचरस अवार्ड विच वेयर गिवन अवे इन अ वर्चुअल सेरेमनी दिस ईयर। तो टोटल 7 कैटेगरी में ये नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं, जिनमें से 4 की प्राइज मनी को हाइक किया गया है, 4 की प्राइज मनी में इंक्रीमेंट किया गया है। अगर हम नेशनल स्पोर्ट अवार्ड की बात करें तो नेशनल स्पोर्ट अवार्ड दिए जाते हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये उन स्पोर्ट पर्सन को दिए जाते हैं जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में कुछ विशेष उपलब्धि हासिल करते हैं, राइट। पहले ये अवार्ड पर ईयर के परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिए जाते थे, लेकिन अभी पिछले 4 साल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे इनको प्रोवाइड किया जाता है। अगर हम बात करें कितने टाइप में, कितनी कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाते हैं, तो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 7 कैटेगरी में दिए जाते हैं। पहला होता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड रेगुलर कैटेगरी में। 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं, एक लाइफ टाइम और एक रेगुलर कैटेगरी। ध्यानचंद अवार्ड, तेंजिंग नागे नेशनल एडवेंचर अवार्ड एंड मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी। तो इनमें से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड स्पोर्ट्स के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड है, जो हाईएस्ट अवार्ड है वो है खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। और ये 1991-1992 के बीच से स्टार्ट किया गया था ऑन द मेमोरी ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। अर्जुना अवार्ड दिया जाता है यंग स्पोर्ट्स पर्सन को, लाइक 19 ईयर से कम जो होते हैं उनको दिया जाता है ये अवार्ड। द्रोणाचार्य अवार्ड कोच को दिए जाते हैं। ध्यानचंद अवार्ड नेक्स्ट है, जो ये तेजिंग नार्गे नेशनल अवार्ड, ये दिया जाता है फॉर एडवेंचरस गेम इन वाटर, एयर, सी, इन पोजीशंस पे जो भी एडवेंचरस स्पोर्ट्स से एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उनको ये दिया जाता है तेजिंग नार्गे नेशनल अवार्ड। ये जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी है, ये इंस्टीट्यूशंस लेवल पे दी जाती है, ग्रुप लेवल पे दी जाती है। अब अगर हम इनके प्राइज मनी की बात करें, आउट ऑफ 7 केवल 4 की प्राइज मनी इंक्रीज की गई है। तो जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, पहले यहाँ पे दिए जाते थे 7.5 लाख, अब दिए जाएंगे 25 लाख। अर्जुना अवार्ड में पहले मिलते थे 5 लाख, अब मिलेंगे 15 लाख। द्रोणाचार्य में 5 की जगह 15 लाख मिलेंगे। ध्यानचंद अवार्ड में 5 की जगह अब 10 लाख अवार्ड मिले, 10 लाख रुपए मिलेंगे एज ए प्राइज मनी। ये जो हाइक किया गया है, जो इंक्रीमेंट किया गया है, वो इसी साल से इंप्लीमेंट होगा। कहने का मतलब है इस साल जिन लोगों के नाम अनाउंस किए गए हैं उनको ये अमाउंट दिया जाएगा। इससे पहले अगर हम बात करें कि ये कब रिव्यू हुई थी प्राइज मनी, तो 2008 में रिव्यू किया गया था और इंक्रीज किया गया था। इसी कड़ी में जो खेल मंत्री, उन्होंने अनाउंस किया है कि अब हर 10 साल में ये रिविजन किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा। उनका कहना था कि अगर एक प्रोफेशनल अपनी अर्निंग में इन्हेंसमेंट चाहता है तो एक स्पोर्ट्स पर्सन क्यों ना चाहे। अगर हम इस साल के अवार्ड की बात करें तो इस साल राजीव गांधी खेल रत्न कैटेगरी में 5 लोगों को अवार्ड दिया गया, जो हाईएस्ट नंबर है किसी भी साल। अर्जुना अवार्ड में 27 लोगों को अवार्ड दिया गया है, द्रोणाचार्य कैटेगरी में 8 लोगों को, लाइफ टाइम कैटेगरी में और रेगुलर कैटेगरी में 5 लोगों को अवार्ड दिया गया है। ध्यानचंद कैटेगरी में 15 लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। तेजिंग नावे
तेजी नागे नेशनल एडवेंचर कैटेगरी में 8 लोगों को और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कैटेगरी में ये एक इंस्टीट्यूशंस को दिया गया है। यहाँ पे कभी कभी कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये अवार्ड कब से स्टार्ट हुए, तो ध्यान रखिएगा जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है ये 1991 से स्टार्ट हुआ था, अर्जुना अवार्ड 1961 से ओल्डेस्ट अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड 85 से स्टार्ट किया गया था और ध्यानचंद अवार्ड 2002 से स्टार्ट किया गया था। खेल रत्न अवार्ड के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ध्यान रखिएगा। एक तो ये हाईएस्ट अवार्ड होता है स्पोर्ट फील्ड पे, दूसरा 1991 से स्टार्ट किया गया था, तीसरा सबसे पहला जो अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था विश्वनाथन आनंद को, और अभी तक टोटल 43 अवार्ड दिए जा चुके हैं इन द कैटेगरी ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इस साल के अगर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो ये 5 लोगों को दिए गए हैं, इनके नाम इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, इनको ध्यान रखना है। पहले हैं रोहित शर्मा जो क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, दूसरे हैं मरियप्पन टी जो पैरा एथलेटिक्स हैं, तीसरे हैं मनिका बत्रा जो टेबल टेनिस प्लेयर हैं, चौथी हैं विनेश फोगाट जो कि रेसलिंग की प्लेयर हैं, और पांचवें हैं रानी रामपाल जो हॉकी प्लेयर हैं। इन पांचों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इस साल दिया गया है। अगर अर्जुना अवार्ड की बात करें तो अर्जुना अवार्ड 27 लोगों को दिया गया है, 27 प्लेयर्स को दिया गया है। तो यहाँ पे आप अगर किस आपके स्टेट से पर्टिकुलर कोई प्लेयर बिलोंग करता है तो आप उनका नाम जरूर ध्यान रखें। कुछ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं तो क्रिकेट से यहाँ पे मेन कैटेगरी में ईशांत शर्मा को ये अवार्ड दिया गया है, और वुमेन कैटेगरी में दीप्ति शर्मा को। द्रोणाचार्य कैटेगरी में अगर बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी में लाइफ टाइम कैटेगरी में यहाँ पे 8 लोगों को अवार्ड दिया गया है, और रेगुलर कैटेगरी में 5 लोगों को। अगेन अगर आपके स्टेट से कोई यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन बिलोंग करता है, कोई कोच बिलोंग करते हैं, तो आप उनका नाम जरूर ध्यान रखें। जैसे कि अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले से योगेश मालवीय जी हैं, मलखम्ब के कोच, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। ध्यानचंद अवार्ड में ये टोटल 15 लोगों को दिया गया है। तो अगेन अगर आपके स्टेट से कोई प्लेयर बिलोंग करता है तो उनका नाम आप बिल्कुल ध्यान रखिए। तेजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड में 8 लोगों को ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे अगेन अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे एक नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे तैराक सत्येंद्र सिंह जो कि ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, सत्येंद्र सिंह लोहिया, इनको तेजिंग नार्गे नेशनल अवार्ड दिया गया है। अगर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे ये अवार्ड इस साल दिया गया है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को। यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि जो तेजिंग नागे नेशनल अवार्ड है ये दिया गया है 2019 कैटेगरी के लिए इस साल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।